नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह पीसीएस मंत्रा से। मित्रों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूपीपीसीएस के बारे में, जिसमें उसके फाइनल कट ऑफ, प्री और मेंस के रणनीति पर व्यापक चर्चा किया गया था। उस वीडियो को आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, करीब 6000 व्यूज़ उसको मिले हैं अभी कुछ ही दिनों में। तो इसी से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि स्केलिंग के विषय में कुछ समझते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी हमें नहीं होती है। हम परेशान रहते हैं कौन सा विषय लें, किस विषय में ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है ट्रेडिशन क्या है किसी विषय का, हम मेरा स्कोर ऊपर जाएगा स्केलिंग के बाद कि नीचे आएगा, कैसे काम करता है स्केलिंग, काफ़ी सवाल रहते हैं अभ्यर्थियों के दिमाग में। और जब से मैंने तैयारी शुरू किया 3 साल पहले करीब, तो मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट थे मेरे पास, इसमें कुछ फार्मूला था, कुछ टॉपर्स का स्केल्ड अप स्केल डाउन मार्क्स था मेरे पास, उसी फार्मूले को मैंने लिया है, मेरे पास पहले से था। आज एक सज्जन से मैंने मांगा, काफ़ी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, तो एक ऑथेंटिक हो गया, एक मुहर लग गया कि हाँ वो फार्मूला सही था। और वास्तविकता यह है कि सचिव लोकसेवा आयोग ने ही वो फार्मूला प्रोवाइड किया था वर्षों पहले, और काफ़ी सीनियर्स के पास वो फार्मूला है। तो मैंने समझा कि उसका एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है स्केलिंग। मेरा नंबर अगर एक्स है तो फार्मूला स्केलिंग के बाद वो किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मेरे सब्जेक्ट में मेरा नंबर किस पोजीशन पे है, ओवरऑल मेरा नंबर किस पोजीशन पे, उसके अनुसार मेरी क्या नियति होगी, मेरे नंबर की क्या नियति होगी, इसको समझते हैं। तो ये है वो डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो इसका एक्चुअल फार्मूला है स्केलिंग कैलकुलेट करने का, वो ये नीचे जूम आउट करके रख दिया हूँ मैं। और इस फार्मूले में दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जब आपका स्कोर, जो रॉ स्कोर है, जो एक्चुअल स्कोर आपने पाया स्केलिंग के पहले, वो स्केल होके कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, इसमें दो चीज़ों को ज़रूर शामिल करते हैं कि आपके विषय में जो सारे अभ्यर्थी का जो रॉ नंबर है उसका एवरेज क्या है, और सभी विषयों में यूपीपीसीएस मेंस के सभी विषयों में सब अभ्यर्थियों का मिलाकर जो एवरेज नंबर है, मान लो 100 अभ्यर्थी हैं, ठीक है 100 अभ्यर्थी हैं और सब सबका नंबर मिलाकर करीब मान लीजिए 100,000 नंबर है, ठीक है तो 100,000 में 100 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके विषय में सारे अभ्यर्थियों का एवरेज और सभी विषयों में सभी अभ्यर्थियों का एवरेज, इन दोनों चीज़ों को ही इसमें इंक्लूड करते हैं फार्मूले को। तो फार्मूला काफ़ी इंक्लूसिव है, फार्मूले पर डाउट नहीं है, डाउट एक चीज़ पर आता है, उसी से मैं समझता हूँ कि मामला कई बार गड़बड़ा जाता है, वो ये है कि जो एक ही विषय के जो अलग अलग परीक्षक हैं उनका नंबर देने का क्या है, कोई परीक्षक नंबर कम देता है, कोई परीक्षक ज़्यादा नंबर देता है, अगर उसमें अगर एक साम्यता आ जाए तो जो भी डाउट है, फार्मूला काफ़ी अच्छा है, फार्मूला का मैंने खुद ही परीक्षण किया है, फार्मूला बहुत अच्छा है, काफ़ी इंक्लूसिव फार्मूला है, इसमें कई बिंदुओं को इंक्लूड किया गया है तभी आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। तो अगर उस मानव कमियों को अगर सही कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई डाउट नहीं रहेगा स्केलिंग में। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं, मान लो इतिहास विषय की बात कर रहे हैं, उसमें 10 अभ्यर्थी हैं, ठीक है अभ्यर्थी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 अभ्यर्थी हैं, और 10 अभ्यर्थी के कॉपियों को कुल 3 परीक्षक चेक कर रहे हैं, परीक्षक 1, परीक्षक 2, परीक्षक 3। अभी कैलकुलेशन के सरलता के लिए मैंने मान लिया है कि एक ही परीक्षक, परीक्षक 1 ही सभी अभ्यर्थियों की कॉपी चेक कर रहा है, इससे फार्मूले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी सरलता के लिए मैंने ऐसा मान लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने मान लिया है कि सभी विषयों के सभी परीक्षक न्यायप्रिय हैं, संतुलित मानसिकता के हैं और सभी एक संतुलित मात्रा में ही नंबर देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब उपकार नहीं करता है, कोई बहुत खार खाया हुआ नहीं रहता है, सब एक एवरेज लेके चलते हैं और सभी संतुलित तरीके से नंबर देते हैं। इन दो चीज़ों को मैंने मान लिया है, इन चीज़ों को नहीं मानेंगे तो फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे ना तो मैं ठीक से समझा पाऊँगा। जो कैलकुलेशन मैंने किया है उसमें मैंने 3 विषयों को कंसिडर किया है, इतिहास, भूगोल और समाज कार्य, कोई भी विषय हो सकता है, XYZ 3 विषय का नाम दे दिया है मैंने, और मान लिया है कि तीनों विषयों में 4-4 अभ्यर्थी हैं, इतिहास में 4 अभ्यर्थी मेंस लिखे हैं, भूगोल में 4 लोग लिखे हैं और समाज कार्य में 4 बच्चे लिखे हैं, और इतिहास में जो 4 अभ्यर्थी हैं
उनके नंबर, किसी का 90 नंबर है, किसी का 100 नंबर है, किसी का 110, किसी का 120 नंबर है। चार अभ्यर्थी के इस तरह से नंबर हैं। और सेम कहानी भूगोल में भी है, वही कहानी समाज कार्य में है। एक अभ्यर्थी का 90 नंबर है, एक का 100 नंबर है, एक का 110, 120। पूर्णांक से मतलब नहीं है, ठीक है, पूर्णांक से मतलब नहीं है इस फार्मूले में। अब मैं उस फार्मूले का प्रयोग करके और जो जो हाइपोथेटिकल, जो काल्पनिक डेटा, जो काल्पनिक आंकड़े मैंने आपको बताया ना कि चार अभ्यर्थी हैं, तीन विषय हैं और 90, 100, 110 और 120 नंबर पाए हैं, तो मैं एक काल्पनिक आधार पर आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर कि मान लो अभ्यर्थी मैं हूँ और इतिहास में मेरा जो वास्तविक मार्क नंबर है, जो रॉ स्कोर है मेरा, स्केलिंग के पहले वाला स्कोर जो मैंने कॉपी में लिखा था उसके आधार पर जो स्कोर मिला है, वो मान लो मेरा नंबर है 120। इतिहास का अभ्यर्थी हूँ, मेरा नंबर है 120, तो उस फार्मूले को अगर लगाऊँ मैं तो मेरा नंबर स्केलिंग के बाद कितना हो जाएगा। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो उसका उत्तर आता है कि 120 से हो जाएगा 136.75। तो मुझे 16.75 16.75 नंबर्स का फायदा हो रहा है। कब? जबकि मेरा नंबर 120 है इतिहास में। 120 है इतिहास में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेरा जो नंबर है वो मेरे विषय में जितने भी लोग नंबर पाए हैं, जितने भी अभ्यर्थी नंबर पाए हैं, उसमें हाईएस्ट है। मेरा जो नंबर है अगर हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा की तरफ है, ऐसा मोटा मोटी कह लें, मेरा नंबर मेरे विषय में अगर ज़्यादा की तरफ है, मैं अगर टॉपर में से हूँ अपने विषय में, तो मेरा स्केल अप हो जाएगा, मेरा स्केलिंग के बाद नंबर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? मान लो 120 से 136.75 हो जाएगा। फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको डिटेल में डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, इसको आप देख लीजिए, इसे ज़रूरत होगा देख लेगा, समझ लेगा, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैंने आपको बताया कि इतिहास विषय में चार अभ्यर्थी हैं, काल्पनिक रूप से 90, 100, 110 और 120 नंबर पाए हैं। अगर मैं 120 नंबर पाया था, अगर मैं 120 नंबर पाया होता, अपने विषय में टॉपर होता, तो मेरा स्केलिंग के बाद 120 से 136.75 हो जाता, मुझे 16.75 नंबर का फायदा होता। लेकिन अगर मैं उसी इतिहास में उन्हीं चार अभ्यर्थियों के बीच जिनके नंबर क्रमशः 90, 100, 110 और 120 है, उसी में से मेरा नंबर मान लो 90 ही होता, मेरा नंबर 120 के जगह पर 90 ही होता, मैं टॉपर की जगह पर एकदम नीचे से टॉप किया होता, तब स्केलिंग में क्या होता? तो इसको जब मैंने फार्मूले लगा कर कैलकुलेट किया तब उसमें आता है, बताता है कि 73.25 हो जाता। तो आप समझ रहे हैं, अगर अपने ही विषय में मैं टॉपर हूँ तो मेरा नंबर 16.75 क्या हो गया? बढ़ गया। और अपने विषय में अगर मैं नीचे से टॉप किया हूँ, सबसे फिसड्डी हूँ, तो मेरा नंबर क्या हुआ? 16.75 बढ़ने के जगह पर करीब करीब क्या, एग्जैक्टली उतना ही घट गया, हो गया 73.25। आप समझ रहे हैं, अपने ही विषय में टॉपर अगर रहूं तो मेरा नंबर जितना बढ़ रहा है तो फिसड्डी होने पर उतना ही घट जा रहा है, फायदा के जगह पर नुकसान हो जा रहा है स्केलिंग का। इसको उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बार डायग्राम से दिखा दिया है। एक काला वाला आपका मेरे विषय का एवरेज मार्क्स है, ठीक है, 105 नंबर, 90 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 120 अगर आप जोड़ेंगे ना तो 105 आएगा, एवरेज करेंगे तो 105 आएगा। और अगर मैं 120 नंबर पाया था तो मेरे 136.75 हो गया, मैं अगर 90 नंबर पाया था मेरा घटकर 73.25 हो गया। अब आके देखते हैं कहानी। अच्छा, अब ये दो परीक्षण मैंने कर लिया कि इतिहास में ही अगर मैं टॉपर हूँ तो कितना हो जाएगा, तो मालूम हुआ कि कुछ नंबर बढ़ जाएंगे, और इतिहास में ही अगर मैं सबसे फिसड्डी हूँ तो कितना हो जाएगा, तो पता चला कि जितना बढ़ जाता टॉपर होने पर उतना ही घट जाएगा। ठीक है, एक तीसरा परीक्षण किया हूँ मैं उसी फार्मूले के आधार पर, उसका डेटा मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। उसका निष्कर्ष ये आया कि जैसे इतिहास में 120 नंबर लाया था और मैं टॉपर था,
मान लो कोई मेरा ऐसा विषय रहता, मान लो संस्कृत रहता या सोशल वर्क रहता, जिसमें मान लो अभ्यर्थी हमेशा से ज़्यादा नंबर पाते रहे हैं। परंपरागत रूप से ऐसा विषय मैं लेता जिसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, सभी का सबका नंबर ही ज़्यादा रहता है। इसमें एग्जामिनर सबको अच्छा नंबर देता है परंपरागत रूप से, और ऐसा विषय चुनता मैं, और उसमें मेरा नंबर रहता 120। इतिहास में 120 था, तब तो मैं टॉपर था, लेकिन ऐसा विषय चुनता कि उसमें भी 120 ही नंबर आता, लेकिन चूंकि सभी का ज़्यादा ज़्यादा नंबर है, तो मेरा 120 न्यूनतम होता, मैं फिसड्डी होता उस विषय में, अपने विषय में फिसड्डी होता, लेकिन फिर भी नंबर वही रहता जो इतिहास में था। तो ऐसे केस में अगर मैं स्केलिंग का फार्मूला लगाया, तो उसमें मालूम चला कि स्केलिंग के बाद मेरा बढ़ने की जगह पर घट गया, 87.96 हो गया। आप समझिए बात को, अगर मैं ऐसे विषय में 120 नंबर लाया हूँ जहाँ पर 120 लाकर मैं टॉप कर गया, और दूसरे साल मैंने ऐसा विषय चुना जहाँ नंबर तो 120 ही आया, लेकिन उस विषय में सबसे फिसड्डी निकला मैं, तो दोनों के स्केलिंग में आप समझिए क्या चेंज हो रहा है। अगर मैं टॉपर हूँ तो मेरा 136.75 हो गया, लेकिन अगर मैं फिसड्डी हूँ तो मेरा हो गया 87.96। तो काफ़ी अंतर हो गया ना, 136.75 और 87.96, कितने का अंतर हो गया, करीब 50 नंबर का अंतर हो गया। दूसरे साल मैंने एक दूसरा विषय चुना ये देखकर कि इसमें तो लड़के काफ़ी नंबर ला रहे हैं, मैं भी नंबर लाऊं और SDM बन जाऊं, लेकिन वो गलती हो गया मुझसे और मेरा नंबर 50 नंबर घट गया, जबकि नंबर कितना आया, नंबर तो वही आया 120 ही। इसका क्या मतलब होता है? इसका जो मतलब होता है वही आपके काम का है, इस पूरे कहानी का यही सार है। सार क्या है? वो विषय लो, इसको लिख दिया है मैंने, वो विषय लो जिसमें तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बजाय कि वो विषय लो जिसमें दुनिया अच्छा नंबर ला रही है। मैं इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें मैं अच्छा करूँगा, भले ही उसमें ओवरऑल लड़के उतना अच्छा नंबर ना लाते हों, लेकिन अगर मैं अपने ही विषय में टॉप कर गया तो मेरा स्केलिंग से नंबर बढ़ जाएगा, अच्छा खासा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं सोशल वर्क ले लूँ, मैं संस्कृत ले लूँ, मैं हिंदी ले लूँ, जिसमें एक रियलिटी है कि उसमें परंपरागत रूप से कुछ ज़्यादा नंबर आता है, इन विषयों में लड़के भी वही लेते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर आता है, लेकिन लड़के गलती करते हैं। आपको बताया ना, फार्मूले से मैंने बताया, साबित किया कि लड़के गलती कर रहे हैं। अगर उन विषयों में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप जानते हैं, तो उसको लीजिए, लेकिन आप नहीं जानते हैं और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि दुनिया अच्छा कर रही है, तो आपको घाटा होगा। आप समझें इस बात को। तो दोस्तों, आज मैंने UPPCS में स्केलिंग के विषय में बात की, स्केलिंग होने के बाद नंबर किस तरह से बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, कौन सा विषय लेना चाहिए, इसका मैंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इस सीरीज में एक वीडियो और बच गया है जिसमें टॉपर्स के वास्तविक और स्केल्ड मार्क्स का डेटा मेरे पास है। इस सन 2011 का डेटा है मेरे पास, लेकिन सभी टॉपर्स का है, करीब 100 लोगों का डेटा है मेरे पास, 100 या 100 से कम, तो उसका मैं एनालिसिस करना चाहूँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं आप, और इसका पिछले वाला वीडियो भी देखिए आप, उसमें बेसिक से मैंने बताया था, प्री से लेकर मेंस तक सारी रणनीति, जो फाइनल कट ऑफ है, उसका मैंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।